अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो इस चेहरे पे लाली देखकर और खुशी देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि किधर की तरफ इशारा करने वाला हूं मैं। जी हां, बारिश दिल्ली के अंदर शुरू हो चुकी है घमासान। और अभी सुबह के बज रहे 11 और दिन है जुमेरात का। और यहां पे देखिए हमारी हानिया चादर ओढ़ के सो रही है और बारिश लगातार हो रही है। तो गाइस फर्स्ट क्लास मज़ा आ रहा है अभी यहां पे। और मतलब मैं इतना खुश हूँ जैसे बरसात के अंदर मेंढक खुश होते हैं ना, तो इस तरीके से मेरी खुशी का मैं अपना इजहार कर नहीं सकता, इतना ज़्यादा खुश हूँ मैं अभी। तो ठीक है गाइस, अभी करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट यहाँ से। इंशाल्लाह बने रहिए मज़ा व्लॉग में। आज हो सकता है पूरा दिन बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा दिन बारिश पड़ने वाली है। वैसे एक हफ्ते का है ये जो बारिश का ये दिखा रहे हैं गूगल पे, एक हफ्ते का दिखा रहे हैं। एक हफ्ते तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा इंशाल्लाह। तो ज़्यादा खुश ना होते हुए करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट, आइए हमारे साथ। छत पे बारिश के मजे लेने के लिए। ओए होए, पानी भर गया गाइस सारा छत पे, अभी दिखाते हैं आपको। तो गाइस फुल बारिश के मजे लेते हुए यहाँ पे बहुत इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना लाजवाब मौसम हो रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा। अभी पूरा भीग चुका हूँ मैं भी बारिश में। इसी मज़े की तो तलाश में थे हम कई दिन से, कि अल्लाह ताला बारिश करवा दे मेरे मालिक। और ये जो है मतलब रेनी सीज़न आ चुका है बढ़िया वाला। अभी कर लेते हैं यहाँ पे नाली की सफाई, वरना सारा पानी नीचे फ्लैट में पहुँचेगा हमारे। और गाइस यहाँ पे छत पे देखिए हमारी पानी भर चुका है बिल्कुल। अभी यहाँ की करते हैं नाली की सफाई, थोड़ी सी कूड़ा है इसके अंदर। अभी वहाँ पे थोड़ी सी नाली हमारी जाम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी भर रहा है बहुत सारा। ये देखिए कितना पानी भर गया छत पे, बहुत पानी भरा हुआ है गाइस। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे नाली की सफाई करने, थोड़ा सा यहाँ कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। अगर हमने इसकी सफाई नहीं करी यहाँ से, तो ये सारा पानी जो है नीचे फ्लैट में हमारे पहुँच जाएगा दीवारों पर। तो यहाँ की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। मैं अभी थोड़ी थोड़ी देर में रुक के कर रहा हूँ, बिल्कुल भीग चुका हूँ अभी, मैं दिखाता हूँ अपने आप। तो गाइस देखिए यहाँ की सफाई हो चुकी है हमारे छत की, कूड़ा सारा इन्होंने इकट्ठा कर दिया है। और देखिए हमारी छत बिल्कुल चमक चुकी है। अभी ये नीचे से कट्टा लेने के लिए गए, कट्टे में भरेंगे हम कूड़ा। देखिए अभी सारा कूड़ा इन्होंने वहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, देखिए माशाल्लाह से कितनी बढ़िया मैंने छत को चमका दिया है। बहुत मेहनती आदमी मिला आप लोगों को, बहुत मेहनती माशाल्लाह। अभी मतलब देखिए अब एक एक पत्थर चमक रहा है। मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी बारिश और पड़ जाए ना, तो फातिमा इसके ऊपर सर्फ डाल के ना फिर मैं रगड़ दूंगा इनको टाइलों को, हुए फिर देखना। तो मतलब हम नीचे से शीशे हटाने पड़ जाएंगे, अपने ऊपर ही आगे मुंह बनाओ, अपना कंगा उंगा करो, ऊपर ही आगे शीशे तोड़ देंगे घर के सारे। इसमें इन्हें मैं इतना चमका दूंगा कि इनमें मुंह नजर आ करेगा टाइलों के अंदर। तो गाइस अभी दोपहर के बज चुके हैं 3 और मैं यहाँ पे खा रहा हूँ तहारी, मतलब मैं ही नहीं खा रहा हूँ, सब खा रहे बैठे हुए माशाल्लाह से। भूख लग चुकी थी, हम लोगों ने करी ऊपर की सफाई, मतलब हम लोगों ने नहीं मैंने करी है खाली। फातिमा ने तो बिल्कुल एंड में रोल अदा कराया आके, तो मैंने सारी छत की सफाई करी है। मैं थक चुका हूँ, अभी नीचे आगे लग गई मुझे भूख। मैंने फातिमा से बोला कि फातिमा कुछ बनाओ जल्दी से। फातिमा ने बनाई है यहाँ पर तहरी काली दाल की, और ये रखी है मेरी छाछ। और छाछ जो है वो दोपहर में बहुत अच्छी लगती है चावलों के साथ। आप लोगों को कैसी लगती है आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो भाई हेलो सलाम वलाम कुछ है तुम लोगों के पास, करोगे या नहीं? अच्छा हाँ, वैसे खाना खाते हुए गाइस सलाम नहीं करना चाहिए। तो ठीक है गाइस अभी पहले हम इसका खाने का मज़ा ले लेते हैं। अच्छा हानिया शुरू हो गई, हानिया करना, हेलो हेलो कर दो सबको, हेलो माम। अच्छा दोनों हाथों से तो ठीक है गाइस अभी पहले यहाँ पे खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे दूसरे सीन में।
और गाइस जिस तरह की भूखो उस तरह खाना मिल जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। ये देखिए चिकन है, ये परसों जो फातिमा ने मतलब एक डिश बनाई थी उसका चिकन फ्राई ये बचा हुआ था वो फातिमा ने डाल दिया तहारी के अंदर। और यहाँ पे मीठी वाली चटनी है और चावल है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन मज़ा आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारी मेहनत जो है वो कामयाब हो चुकी है। अभी हमारी छत जो है कितनी बढ़िया चमक रही है, फर्स्ट क्लास एकदम। मेहनत तो काफ़ी लगी हुई, तकरीबन 2 घंटे लगे पूरी छत की सफाई करने में। इतना कूड़ा था, सारा कूड़ा हमने इस कट्टे के अंदर भर दिया है। और देखिए छत बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, पाइप लगा लिया था वहाँ से। अच्छा बारिश पड़ रही थी, वीडियो बनाने के लिए कोई था नहीं यहाँ पे, तो मैंने वीडियो बनाई नहीं उस टाइम। तो अभी देखिए सूख चुकी है, बारिश भी रुक चुकी है अभी यहाँ पे। मौसम फिर भी फर्स्ट क्लास हो रहा, बेहतरीन। तो अभी बच्चों को बुला लेते हैं ऊपर और बच्चे खेलेंगे यहाँ पे क्रिकेट। आ जाओ भाई, आ जाओ। मतलब बिल्कुल एक एक पत्थर मैंने गाइस बहुत ज़ोर लगा लगा कर रगड़ाई करी है पत्थर की, और पूरी चमक आ चुकी है। अभी ये थोड़े बहुत रह गए, ये नहीं साफ़ हुए, बाकी तो साफ़ हो ही चुके हैं। और बच्चों की टीम यहाँ पे आ चुकी है क्रिकेट खेलने के लिए। मैं कह रहा हूँ इतनी बारिश हो, अभी इतनी बारिश हो कि तुम खेल ही ना पाओ। ये बच्चे जो है ना, ये तीनों ये बहुत ज़्यादा छत का कबाड़ा करते हैं, ये बहुत फैला देते हैं छत को। देखो मैं यूँ बता रहा हूँ, ये पत्थर रखे हुए ना, उन पत्थर सुन लो मेरी बात, वो पत्थर रखे हुए ना बेटा, पत्थर मत छेड़ना ठीक है, और सीढ़ी पे भी मत चढ़ना ठीक है। तो ठीक है गाइस, अभी मौसम तो बहुत फर्स्ट क्लास हो रहा है यहाँ का।